हाय व्यूअर्स, दिस वी दत्ता फ्रॉम साउंड टेक्नो गाइड। आज के ये वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ पोटोनिक्स ब्रांड का साउंड ड्रम, जिसका मॉडल नंबर है POR871, उसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो ये पोटोनिक्स का जो साउंड ड्रम है, ये बेसिकली एक ब्लूटूथ स्पीकर है जिसमें आपको 4.2 का ब्लूटूथ मिल जाता है, और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स है, जैसे कि पेन ड्राइव सपोर्ट है, आप पेन ड्राइव से कोई भी गाना वगैरह इसमें सुन सकते हैं, और इसमें ऑक्सिलरी इनपुट है, मीन्स अगर आप ऑक्स केबल लगाते हैं तो कोई भी डिवाइस से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है, आप आपका एंड्रॉइड फोन से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, आईपैड, आईफोन या मैक, विंडोज लैपटॉप वगैरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें FM रेडियो भी मिल जाता है विथ इनबिल्ट एंटीना, मीन्स आपका कोई भी एरिया में अगर FM का फ्रीक्वेंसी है तो आप FM रेडियो वगैरह भी इसमें सुन सकते हैं। और इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है, इसमें आपको 1800 mAh का बैटरी मिलता है, मीन्स 6 से 7 घंटा तक आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। और ये डिवाइस जो है, ये वाटर रेजिस्टेंस विथ डस्ट प्रूफ है, मीन्स आप लाइट रेन वगैरह में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और डस्ट एरिया में भी आराम से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपको 2 कलर में मिलता है, एक ब्लैक कलर और एक ग्रे कलर। तो ये हमारे पास जो रिव्यू यूनिट है ये ब्लैक कलर का है, आप ग्रे कलर भी चूज कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपको amazon.in में मिल जाता है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो ये है हमारा कोरियर बॉक्स पैक, इसको हम ओपन कर देते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, बाजू में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जो भी नया वीडियो आएगा आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो ये है कंपनी का ओरिजिनल बॉक्स पैक, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पोटोनिक्स ब्रांड का है, और यहाँ पे ये साउंड ड्रम लिखा गया है, और यहाँ पे पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर विथ FM। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उसका बैक साइड है, यहाँ पे आपको एक LED इंडिकेटर मिलता है, एक USB पोर्ट मिलता है, ऑक्स पोर्ट मिलता है, और चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे मिलता है। तो इसका लेफ्ट साइड में ये वायरलेस है, यहाँ पे आपको पेन ड्राइव का सपोर्ट मिलता है, FM रेडियो मिल जाता है, और इसका बैटरी बैकअप जो है 6 to 7 hours है। और यहाँ पे बिल्ट इन माइक है, आप कॉलिंग वगैरह भी इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है पावरफुल बास एंड क्लियर वॉइस है, और 3.5 mm का ऑडियो ऑक्स इन यहाँ पे मिलता है आपको, और ये वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है। तो ये है उसका फ्रंट साइड, तो आप यहाँ पे ये साउंड ड्रम का फोटो देख सकते हैं, और यहाँ पे टीनी पावर हाउस लिखा गया है। तो यहाँ पे उसका स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे वायरलेस वर्जन जो ब्लूटूथ है वो 4.2 वर्जन मिलता है, और यहाँ पे इम्पीडेंस जो है ये 3 ohm का आपको मिलता है, और यहाँ पे आउटपुट जो है वो 2x5 watt लिखा गया है, मीन्स आपको 5 watt का 2 speaker मिलता है, तो आउटपुट उसका टोटल 10 watt का है। और यहाँ पे वोल्टेज जो है वो DC 5 volt है, ऑक्स इन जो है 3.5 mm ऑडियो जैक के थ्रू में होता है, और यहाँ पे बिल्ट इन बैटरी जो है 1800 mAh का बैटरी आपको यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स जो है 150 to 15 kHz का है, और SN रेशियो जो है वो 70 dB का है, और यहाँ पे ब्लूटूथ सपोर्ट जो है A2DP एंड AVRCP है, और यहाँ पे ब्रांड नेम जो है पोटोनिक्स है, और यहाँ पे मॉडल ID जो है वो साउंड ड्रम POR871 है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम दिखने जैसा आपको साउंड ड्रम जो है वो भी दूसरा मॉडल का मिलता है, बट ये जो मॉडल है ये POR871 है, और ये ब्लैक कलर का है। तो यहाँ पे मैक्सिमम रेटल प्राइस जो है वो 2999 लिखा गया है, बट आप ऑनलाइन स्टोर से लेते हैं तो आपको काफ़ी कम प्राइस में ये मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 1 year का वारंटी भी मिल जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है गेट फ्री एक्स्ट्रा वारंटी, अगर आप ये वेबसाइट में जाके रजिस्टर करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा वारंटी वगैरह भी मिल जाता है। तो अभी हम इसको ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला कंटेंट जो मिलता है उसका USB चार्जिंग केबल जो है वो मिलता है, एक साइड में माइक्रो USB है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे USB है। तो टोटल आपको इतना ही कंटेंट मिलता है। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये उसका यूजर मैनुअल है, तो इसमें ये प्रोडक्ट का डिटेल्स वगैरह दिया गया है, और सेकेंड यहाँ पे पोटोनिक्स का एक विजिटिंग कार्ड टाइप का दिया गया है, जो कि उसका मॉडल नंबर एंड यहाँ पे उसका सीरियल नंबर दिया गया है, और उसका वारंटी कार्ड भी है। तो अभी हम हमारा ये ब्लूटूथ स्पीकर जो है साउंड ड्रम, इसको ओपन करते हैं। तो ये साउंड ड्रम काफी प्रीमियम लगता है, जैसे कि अगर आप हाथ में इसको लेते हैं तो आपको काफी प्रीमियम ये फील होगा, और यहाँ पे उसका बटन वगैरह दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हम ये साउंड ड्रम का वेट जो है वो मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 356 ग्राम का है, मीन्स ये 350 ग्राम का है। तो यहाँ पे प्रेस करते हैं तो थोड़ा साउंड आता है,
तो यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस है और यहाँ पे कुछ बटन नेक दिया गया है, यहाँ पे भी एक बटन दिया गया है और ऊपर की तरफ भी उसका बास इफेक्ट आता है, जैसे कि यहाँ पे उसका ब्रांडिंग दिया गया है पोटरनिक्स का और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये ऊपर नीचे हो रहा है और ये है उसका बैक साइड और यहाँ पे उसका सारे पोर्ट दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 वोल्ट का यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, ये ऑक्सिलरी पोर्ट है, ये यूएसबी है और यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है और ये है उसका बटन साइड। तो यहाँ पे भी उसका मॉडल नंबर दिया गया है, इनपुट जो है वो 5 वोल्ट 1 एम्पीयर का है और पावर रेटिंग जो है वो 2x5 वाट लिखा गया है, मीन्स यहाँ पे 10 वाट का आपको स्पीकर मिल जाता है। तो अभी हम इसका पावर ऑन करते हैं, जैसे कि ये उसका पावर बटन है और ये वॉल्यूम अप डाउन एंड नेक्स्ट बटन है और ये प्ले एंड पॉज का बटन है। तो यहाँ पे हम इसका पावर ऑन करते हैं, तो यहाँ पे सुने जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ से वॉइस कमांड आपको मिलता है पावर ऑन और यहाँ पे जो लाइट है ये लाइट भी ब्लिंक होता है, तो ये कवर भी हम इसके ऊपर रख देते हैं तो भी यहाँ से ये लाइट जो है वो आपको दिख जाता है। तो अभी हम हमारा मोबाइल फोन से इसको कनेक्ट करते हैं, तो ये है हमारा मोबाइल फोन, इसमें हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो ब्लूटूथ में जाते हैं, तो यहाँ पे सर्चिंग करते हैं डिवाइस, तो यहाँ पे ये साउंड ड्रम यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैसेज आता है अलाउ एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट्स एंड कॉल हिस्ट्री। अगर इसको आप अलाउ करते हैं तो आप इसके थ्रू में आप वॉइस कॉल वगैरह कर सकते हैं, अगर अलाउ नहीं करते हैं तो कॉल वगैरह आप नहीं कर पाएंगे और इसको बाद में भी आप अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पेयर कर देते हैं, तो यहाँ से भी वॉइस कमांड आ जाता है डिवाइस पेयर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसमें 70% का बैटरी है। तो अभी हम इसको प्ले करते हैं और चेक करते हैं इसका साउंड क्लैरिटी कैसा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें इसका बास इफेक्ट जो है वो आता है और यहाँ पे दो साइड में दो स्पीकर दिया गया है। तो यहाँ पे मैं माइक्रोफोन को लगा के आपको सुनाता हूँ तो आपको डिटेल्स पता चलेगा, जैसे कि ये दो साइड में दो स्पीकर दिया गया है और यहाँ से उसका बास का इफेक्ट आता है। जैसे मैं यहाँ पे एक पेन ड्राइव रखा तो वो वाइब्रेट ही हो रहा था, तो मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ। तो यहाँ से आपको पता चला होगा जैसे कि ये साउंड ड्रम जो है इसका चारों तरफ से ही आवाज आता है, मींस अगर आप किधर भी इसको रखते हैं तो आपको सभी साइड से आवाज का इफेक्ट जो है वो पता चलेगा और यहाँ पे उसका बेस का इफेक्ट आता है जो कि कॉम्बिनेशन जो है इसका साउंड का तो काफी अच्छा है दूसरे स्पीकर के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे दो साइड में स्पीकर दिया गया है, मीन्स आप यहाँ पे जो साउंड है एक ही तरफ से आपको नहीं सुनने के लिए मिलेगा, तो आपको चारों तरफ से साउंड जो है वो सुनने के लिए मिलता है। तो आप यहाँ से भी वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से भी अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, अगर लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो जाता है, अगर आप यहाँ पे एक सिंगल प्रेस करते हैं तो जो ये गाना है उसका नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो प्ले हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे इसका नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो प्ले हो जाता है। ये प्रीवियस सॉन्ग आ गया, तो यहां से प्रीवियस सॉन्ग आ गया। तो ये डिवाइस को आप विंडोज लैपटॉप में भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये विंडोज लैपटॉप है तो आपको ब्लूटूथ में जाना है और यहाँ पे आठ डिवाइस करना है, तो यहाँ पे लिस्ट में आपको शो कर देगा ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं साउंड ड्रम जो है वो आ गया है, तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप सुने डिवाइस पेयर हो गया है, अभी आवाज जो है इसमें आ रहा है, तो यहाँ से मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ और यहाँ से भी हम प्ले एंड पॉज कर सकते हैं, जैसे कि देखिए ये पॉज हो गया और यहाँ से भी हम इसको प्ले कर सकते हैं।
मीन्स यहाँ पे सभी फंक्शन जो है हम यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आप ये ब्लूटूथ स्पीकर को आपका आईपैड या आईफोन में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको पहले सेटिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ पे ब्लूटूथ, तो यहाँ पे सर्च में ये साउंड ड्रम यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं। Device paired. तो यहाँ से भी आप प्ले एंड पॉज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये पॉज हो गया अभी, तो यहाँ से रिज्यूम कर सकते हैं और यहाँ से वॉल्यूम भी कम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से वॉल्यूम कम हो गया। तो ये ब्लूटूथ स्पीकर में आप पेन ड्राइव वगैरह भी लगा के गाना वगैरह सुन सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसके बैक साइड को ऐसे उठाते हैं तो यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे आप पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सुने यूएसबी मोड करके आपको वॉइस प्रॉम्प्ट आता है, उसके बाद जो भी इसमें MP3 का कंटेंट रहेगा वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है। तो देखिए अभी इसके अंदर जो भी फाइल था ये ऑटोमेटिक प्ले हो गया। और ये उसका चार्जिंग पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इसका चार्जिंग कैसे होता है। तो ये माइक्रो यूएसबी जो केबल है यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा और ये पॉइंट को कोई भी यूएसबी पोर्ट में आप लगा दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चार्जिंग चालू हो गया, मीन्स ये लाइट जो है ये चेंज हो रहा है। तो देखिए इसको अगर हम निकाल देते हैं तो ये ब्लू कलर में यहाँ पे ब्लिंक होता है। अगर हम यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट जो है यहाँ पे लगा देते हैं तो इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आपको यहाँ से पता चलेगा ये चार्जिंग हो रहा है। तो यहाँ पे ये गाना चल रहा है, मैं अभी इसके ऊपर थोड़ा पानी डालता हूँ। तो इसके ऊपर हम पानी थोड़ा डालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इसके ऊपर भी पानी जाता है या हम पानी इधर भी किधर डाल देते हैं तो भी इसमें देख सकते हैं पानी जो है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। तो इसमें पानी टिकता भी नहीं है, अगर थोड़ा सा इसको आप कोई भी कपड़े में वॉप कर देते हैं तो पानी इसके अंदर जाएगा ही नहीं। तो आप जितनी बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मोड बताएगा। जैसे कि यहाँ पे हम पहले क्लिक किए तो ब्लूटूथ मोड आया, उसके बाद क्लिक किए तो FM मोड आया। तो फर्स्ट टाइम आपको ये प्ले बटन जो है इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा, उसके बाद आपका एरिया का जो भी FM चैनल होगा ये ऑटो स्कैन कर लेगा। उसके बाद आप प्लस और माइनस यूज करके आप कोई भी एक चैनल चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम का काम करेगा। अगर सिंगल प्रेस करते हैं तो ये नेक्स्ट का काम करेगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसमें कॉल कैसे काम करता है। जैसे हम एक अभी यहाँ पे डायल करते हैं। Welcome to Jio Marathi Sathi Ek Daba. To continue in English, press 2. Hindi के लिए 3 दबाएं. तो यहां से आप कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। हमारे वर्तमान प्लान, स्कीम और नए ऑफर्स के बारे में जानने के लिए बस अगर आपको एक इनकमिंग कॉल भी आता है तो आप यहाँ पे जो प्ले बटन है इसको प्रेस करते हैं तो आप वो कॉल को रिसीव कर पाएंगे। और यहाँ पे इनबिल्ट माइक्रोफोन भी है, आप इसके थ्रू में बात भी कर सकते हैं। तो अभी हम ये साउंड ड्रम का फाइनल कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये पोटोनिक्स ब्रांड का जो ये साउंड ड्रम है इसका साउंड क्वालिटी एक्सीलेंट है। जैसे कि यहाँ पे दो साइड में दो स्पीकर दिया गया है, मीन्स आप इसको किधर भी रखते हैं तो आपको 360 डिग्री में साउंड जो है सुनने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे उसका बास इफेक्ट भी काफी अच्छा है और यहाँ पे कंट्रोल वगैरह भी आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ ये वाटर रेजिस्टेंस भी है, लाइट रेन वगैरह में भी आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाया अगर पानी भी इसके ऊपर गिरता है तो नीचे चला जाता है, इसके अंदर नहीं जाता है। और ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है आप इसको कोई भी डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाया मोबाइल फोन में ये कनेक्ट होता है, आईपैड आईफोन वगैरह या विंडोज लैपटॉप वगैरह में भी ये कनेक्ट हो जाता है। तो ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। जैसे कि आपको मार्केट में काफी सारे ब्लूटूथ स्पीकर मिल जाता है बट इसका साउंड क्वालिटी जो है वो एक्सीलेंट है। तो आशा करता हूँ ये पोटरोनिक्स का साउंड ड्रम का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी आप हमको इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं और हमारा फेसबुक का पेज जो है उसको लाइक भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रोज लेके आता हूँ। तब तक हमारा चैनल देखते रहिए, साहू टेक्नो गाइड। आपका दिन शुभ हो।